मैं भी टच करूं तो कुछ नहीं कहेगा? आप कर सकती हैं टच, पक्की बात है? जी जी, आपने बाद में सिर्फ माफी मांगनी है। मैंने माफी भी नहीं मांगनी बाद में। एक नौजवान ने 15 साल की उम्र में 28 शेर पाल रखे हैं। ये कैसा शौक है? हमसे मेरा दिल ऐसे धक 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 कर रहा है। थोड़ा डेंजरस भी शौक है लेकिन हमारे लिए लविंग है। ये जब 2 मंथ्स का था तब से हमने इसको पाला हुआ। अभी इसकी क्या एज रखा है? इसकी एज तकरीबन 16 मंथ्स है। एक लाइन लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा फार्म बन चुका है। ये शेरनी है और ये माशाल्लाह बहुत लविंग शेरनी है। इसकी एज जो है वो 2.5 इयर्स है। इनके नेचर का नहीं पता होता, कभी तो ये लोग लविंग होते हैं। हम लोग ज्यादातर इनको मीट, चिकन, बीफ वगैरह खिलाना प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये डेंजरस नहीं है क्या? नहीं, नहीं। बिल्कुल हाथ लगा रहे हैं और ये डेंजरस नहीं है बिल्कुल भी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त हम असली शेर के पिंजरे में मौजूद हैं। बहुत ही खतरनाक स्टेप था ये, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से एक नौजवान ने 15 साल की उम्र में 28 शेर पाल रखे हैं। परिंदों का शौक है, कोई वीडियो गेम्स का शौक नहीं, कोई क्रिकेट का शौक नहीं, बल्कि जुनून है शेरों को पालने का। तो मिलवाते हैं आपको अंश से, जो कि शेरों के शौकीन हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने और मजीद कौन कौन से शेर पाल रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। ये कैसा शौक है अंश, मेरा दिल ऐसे धक 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 कर रहा है। ये आप मुझे शेर के पिंजरे में ले आए? जी बस, ये कुछ किसी किसी को शौक होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने शौक किया है। लेकिन ये थोड़ा डेंजरस भी शौक है लेकिन हमारे लिए लविंग है, क्योंकि हम लोगों ने इनको लव से, केयर से पाला है। कितने आपने जानवर रखे हुए, कौन कौन सी नस्लें आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं, उसके बाद डॉग्स वगैरह की काफ़ी ब्रीड्स हैं, पैरट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं। अच्छा, हम जब यहाँ एंटर हो रहे थे इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही थी केजेस से, और रोरिंग जिसको आप कहते हैं, जो जंगल में अमूमन आपको एडिट करके आवाज़ों में इफेक्ट डाल के जो है वो सुनाई देती है, वो यहाँ पे नेचुरली आ रही थी। तो आइए हम विजिट करते हैं मुकम्मल फार्म हाउस, क्योंकि ज़्यादा देर इस पिंजरे में रहना खतरे से खाली नहीं है। सो अनस, ये आपका फार्म हाउस है, ये आपका मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा खतरनाक। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये जब 2 मंथ्स का था तब से हमने इसको पाला हुआ। अभी इसकी क्या एज रखा है? इसकी एज तकरीबन 16 मंथ्स है। 16 मंथ्स है, ये अभी बेबी है। और देखें जरा, ये इतनी दहशत तारी कर रहा है। अंश, मुझे बताएं कि ये कौन सी नस्ल है और आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये कॉमन लाइन है और ये मतलब हर जगह होता है तकरीबन। ये जो बाकी हैं बर्बरी वगैरह, वो हमारे फार्म पे मौजूद हैं, बाकी किसी के फार्म पे मौजूद नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं अनस, ये इतना महंगा तो चलो अफोर्ड कर ही सकता है बंदा, लेकिन ये तो बड़ा खौफनाक जो है वो शौक है। और क्या क्या आपके इस फार्म हाउस पर मौजूद है, और इसकी ट्रेनिंग के लिए आपकी तो मुझे लगता है पैदाइश के बाद से ट्रेनिंग चल रही है? नहीं नहीं, पैदाइश के बाद से नहीं, ये अभी तकरीबन 2-3 ईयर्स हो गए हैं इसको मैंने शौक शुरू किया था। फादर और चाचू ने बेसिकली शुरू किया था। एक लाइन लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पूरा फार्म बन चुका है। एक लाइन से हम लोगों ने रखा यहाँ पे पहले। ये सब खुद ही ब्रीडिंग आपकी स्टार्ट हुई यहाँ? हमने नहीं, हमने परचेज किए बाहर से। अच्छा, एक लाइन लाए थे सिर्फ, तो उसके लिए फार्म तैयार किया था, तो अल्लाह ने करम किया आगे से खुद ब खुद ही आगे सारे। कभी कोई ऐसी पोजिशन बनी हो, कोई ऐसा वाक्या पेश आया हो कि डर लगा हो कि भाई ये तो बड़ा खौफनाक काम है? काफ़ी दफ़ा हुआ है, क्योंकि जब ये बच्चे वगैरह कोई आते हैं, जैसे फैमिली वगैरह में से भी होते हैं, तो जब बच्चों को देखती है ना लाइंस वगैरह, तो वो ज़रा वो थोड़ा सा अग्रेसिव मूड में आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा हमें भी ज़रा डर वगैरह लगता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि एहतियात कीजिए। इनकी इनकी कुछ स्टडी करते हैं इनकी नेचर, इनकी साइकोलॉजी समझने के लिए, क्योंकि इनको तो ये तो वो जानवर है ना जिसको किसी भी टाइम अग्रेसिव हो सकता है, किसी भी टाइम अटैक कर सकता है। जी, हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कब ये अटैक के मूड में है। अगर आप केज के अंदर जाते हैं अव्वल, तो आप लोगों को जाना ही नहीं चाहिए। अनस, अमूमन तो बच्चों को शौक होता है, कोई वीडियो गेम्स का, क्रिकेट का जुनून होता है, गाड़ियों का शौक होता है, आपको ये शौक कहाँ से? एक तो आपके वालदैन से जाहिर है और चचा से आया, लेकिन ये सीखना कितना मुश्किल था? ये सीखना मतलब था तो काफ़ी डिफ़िकल्ट। जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो एक दिल में खौफ था, ज़ाहिर है आपको पता है शेर को, आप जैसे अभी आपका खौफ हो रहा था आपको, वैसे जैसे मैंने पहली दफ़ा देखा था, फिर खौफ आया मुझे। लेकिन जब मुझे देखा कि मतलब के लोग जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, मतलब बाहर से लोग आके वीडियोस बना के जा रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अगर बाहर से लोग बना सकते हैं तो मैं, मेरा अपना फार्म है और मैं क्यों नहीं बना सकता वीडियोस। ठीक है, यहाँ भी ये देखें, ये कौन सा शेर है अभी? जी ये बर्बरी है। ये जो बब्बर शेर जिसको जी, हम बब्बर कहते शेर जिसे कहते, बड़ा वाला शेर जी, इसकी एज जो है वो 3 ईयर्स के आसपास है। 3 साल का जी, 3 साल। क्या इनकी औसत एज क्या होती है?
ये 10 इयर्स के भी होते हैं, 11 इयर्स के भी होते हैं, मतलब फुल एक होता है ना कि फुल बड़ा जो एक जवान शेर है वो उसकी क्या एज होती है? ये फीमेल है, ये शेरनी है और ये माशाल्लाह बहुत लविंग शेरनी है, इसकी एज जो है वो 2.5 इयर्स है। क्या नाम है इसका? एल्सा। एल्सा, एल्सा कब से है आपके पास? ये हमारे पास तकरीबन 6 मंथ्स हो चुके हैं इसको, और ये तकरीबन इसने 3 दफ़ा हमारे पास आके ब्रीडिंग भी कर दी है। तो इनकी क्या मिजाज होता है, ये भी अग्रेसिव हो जाती हैं, ये इनके भी केज में आप चले जाते हैं? जी हम लोग जाते तो हैं, लेकिन जब हम लोगों को पता हो कि इनकी नेचर, आपको पता है जैसे कि इनकी नेचर बदलने में टाइम नहीं लगता, तो हम लोग देखते हैं जब इनकी नेचर अच्छी हो तब हम लोग इसके अंदर जाते। अच्छा, ये साथ भी हमें लगता है कि यहाँ भी बिल्कुल बेबीज भी अभी हम देख रहे थे। 1 मंथ के हुए हैं बेबीज। अच्छा, इस टाइम ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते जब इनके बेबीज छोटे होते हैं, साथ होते हैं? जब ये हमारी टेम है ना, जो टेम होते हैं वो जिनके साथ वो खेल रहे होते हैं तो वो एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन अगर आप उनको छेड़ें, जैसे अगर आप इनको तंग करेंगे, बच्चों तो ये को तंग करें, बच्चों को तंग करेंगे तो फिर ये एग्रेसिव हो जाती हैं। ठीक है, मज़ीद विज़िट करते हैं। और यहाँ पे मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज बताना चाहूँगी कि आप मत रिस्क लें, आप किसी जू में जाते हैं, किसी फार्म हाउस में जाते हैं, जो लोग ट्रेन होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप रिस्क ना लें इनके बहुत करीब जाने के, क्योंकि आखिरकार तो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, इन्होंने सुधारा हुआ है, लाइसेंस लिया हुआ है, बट ये हमेशा रिस्क पे होता है। मैं बल्कि फील कर रही थी कि नहीं आ रहा डर, लेकिन फिर भी एक जो है वो रिस्क लेना, अगर आप ये दावा करेंगे नहीं नहीं आप नहीं डरते और कुछ भी कर लें, तो फिर ये रिस्क लेना जो है वो आसान नहीं है। ये कौन सी नस्ल है? ये बर्बरी लाइन है और ये सबसे अच्छा वाला बर्बरी है और ये किसी के पास भी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये मतलब नायाब है, नायाब है। पेट रखना इसको एक किस्म का जुर्म कह लें, लेकिन वो हमने इसका लाइसेंस बनवाया है, फिर भी इसके अंदर चलें अगर आप कहती हैं तो। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि रिस्क लेना चाहिए, आपने बिल्कुल ट्रेन किया होगा, लेकिन हमने पहला जो है वो केज से स्टार्ट कर लिया था, हर केज में जाने का रिस्क आप आई डोंट थिंक सो कि ले सकते हैं। मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि अगर आप किसी जू में जाते हैं या किसी भी फार्म हाउस पर जाते हैं तो, और अगर लाइंस वगैरह खुले होते हैं तो आपने केज के कोशिश करना कि हाथ अंदर ना करें, क्योंकि अगर हाथ वगैरह अंदर करते हैं, इनके नेचर का नहीं पता होता, कभी तो ये लोग लविंग होते हैं, कभी ये लोग मूड इनका चेंज होता है, तो ये मतलब कि आपको पकड़ भी सकते हैं आपके फिंगर वगैरह को। और यहाँ पे तो पूरी फैमिली मौजूद है मुझे लगता है। जी, ये माशाल्लाह से हमारा पेयर है, ये कॉमन कॉमन है। जी ठीक है। अच्छा अनस, कितना खर्चा इनकी फूड पे आ जाता है, क्या खिलाना प्रेफर करते हैं आप लोग? हम लोग ज़्यादातर इनको मीट, चिकन, बीफ वगैरह खिलाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनके जो जब जंगल में भी होते हैं तो ये इनका ही शिकार करके खाना खाते हैं, तो हम लोग एक मतलब आपको बताया कि जंगल वाली पूरी इनकी वाइब लाना चाहते हैं कि इनको ये ना हो कि ये जंगल से बाहर है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे जंगल में जब ये होते हैं तो ये किसी भी टाइम पे खा रहे होते हैं जब इनको शिकार मिलता है, तो आप लोगों ने कोई टाइम टेबल रखा हुआ है या फिर रेंडम ही देते हैं कि अगर आप खुदा ना खास्ता उस टाइम ना इनको खाना मिले तो ये वाइल्ड तो नहीं हो जाते ज़्यादा? जंगल में ये लोग 3 दिन तक भूखे रहते हैं। अच्छा। 3 दिन भी इनको, अगर हफ्ते में एक दिन नागा करवाना होता लाजमी, लेकिन हम वो भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है कि अगर इनको खाना ना डालो तो थोड़े से वाइल्ड होना शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे साथ टेम रहें और हमारे साथ प्यार मोहब्बत से रहें, तो इस वजह से हम लोग डेली इनको डेली एक टाइम पे खाना डालते हैं। जी, एक टाइम पे। ठीक है, और चिकन बीफ हर चीज़ मिक्स करके, फिश वगैरह भी ये लोग खाते हैं? फिश वगैरह भी खाते हैं। कोई न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कुछ देना होता कि भाई इनकी प्रोटीन भी पूरी करनी है, बाकी चीज़ें पूरी करनी है? नहीं नहीं, शेरनियों को थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन उनको मेडिसिन वगैरह होती है, डिवॉर्मिंग इनकी हर मंथ में करवानी होती है कि जिससे इनका पेट वगैरह ना खराब हो, और अगर कोई बीमार वगैरह हो जाए तो उसका डॉक्टर हम लोगों ने रखे हैं, वो हर हफ्ते चेकअप करके जाते हैं इनका। जल्दी आ जा, इधर आ, इधर आ। ये कौन सी किस्म है? ये टैबी टाइगर। अच्छा, ये बड़ा रेयर है आप बता रहे थे। जी। ये क्या मादूम होती नस्ल है कोई? ये टैबी टाइगर है, ये सिर्फ एशिया, पूरे एशिया में सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। ये बहुत ज़्यादा टेम है और इसकी अभी आपको क्लिप्स वगैरह भी आप देख रही हैं, इधर आओ। अच्छा, ये डेंजरस नहीं है क्या? नहीं, नहीं। बिल्कुल हाथ लगा रहे हैं और ये डेंजरस नहीं है बिल्कुल भी। मैं भी टच करूं तो कुछ नहीं कहेगा? आप कर सकती हैं टच, पक्की बात है। जी जी, आपने बाद में सिर्फ माफी मांगनी है। मैंने माफी भी नहीं मांगनी बाद में। रहन देते हैं फिर। नहीं, ये देखें कुछ, इसका क्या नाम है? इसका नाम टैबी टाइगर है। हाय हाय, हेलो, कोई दोस्ती? ये देखिए मेरे साथ साथ चलती है टैबी, इधर आ, चल चले, आ जा चले, आ जा चले, चलो आ जा, आ जाओ, आ जाओ, चले जल्दी आ जाओ। ये बिल्कुल बच्चों की तरह है और ये भी जब 2 मंथ की थी तब से रखा हुआ। अच्छा, एट द एंड अनस,
एक दफ़ा फिर से हमारे देखने वालों को ये बता दें कि ये शौक कितना डेंजरस है। ये शौक बड़ा डेंजरस है, अगर आप लोगों ने देखना है इस शौक को तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है अंस मलिक 8 के नाम से। ओह माय गॉड, जिस पे मैं डालता हूँ इनकी डेली रूटीन वगैरह, तो आप लोगों ने अगर देखना हो तो आप लाजमी वो भी देख सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। ये था जी अंस का शौक, और यकीनन एक महंगा और थोड़ा सा ख़तरनाक शौक है। अगर आप ये शौक रखें तो दो तीन चीज़ें जो है वो लाजमी माइंड में रखें कि एक तो आपको लाइसेंस लेना है, दूसरा इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, और फिर वाइल्ड लाइफ कानून के मुताबिक इनका पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि बेशक ये बेज़बान है लेकिन हमारी जो है वो मोहब्बत और शफकत के भी हिस्सेदार हैं। तो अगर आप ये शौक पालते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अनस का ये शौक आपको कितना अच्छा लगा और कितना खौफनाक लगा, मैं तो बहुत मर्तबा डर गई। कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इजहार।